हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास बीए का एमआईएल सब्जेक्ट है जो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स सभी किसी के लिए हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है वाराणसी में। दूसरा क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 15 नवंबर 1937 में। चौथा क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद किस काल के अंतर्गत मान्य है? तो इसका सही आंसर है आधुनिक काल। पांचवा क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद कवि के रूप में किस काव्य धारा से संबद्ध हैं? इसका सही आंसर है छायावाद। छठा क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कृति कौन सी है? इसका सही आंसर है कामयानी। सातवां क्वेश्चन, साहित्य की कहानी विधा से संबद्ध प्रसाद जी की कौन सी कृति है? इसका सही आंसर है आकाशदीप। आठ नंबर का क्वेश्चन है, मधुवा किनकी कहानी है? तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद की। नौवां क्वेश्चन है, मधुआ किस प्रकार की कहानी है? तो मधुआ चरित्र प्रधान आदर्शवादी कहानी है। दसवां क्वेश्चन है, मधुआ शीर्षक कहानी का प्रधान पात्र कौन है? इसका सही आंसर है मधुआ। ग्यारह नंबर का क्वेश्चन, मधुआ शीर्षक कहानी में किसका चित्र खींचा गया है? इसका सही आंसर है सामाजिक विषमताओं का और अन्यायों का। बारह नंबर का क्वेश्चन है, मधुआ शीर्षक के कहानी में बालक मधुआ किससे पीड़ित है? तो इसका सही आंसर है कुंवर साहब के अत्याचार से। अब हम लोग दूसरा पाठ है मंगर, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है बेनीपुर में। दूसरा क्वेश्चन है, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1902 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन, रामवृक्ष बेनीपुरी का निधन कब हुआ? इसका सही आंसर है 1968 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन है, रामवृक्ष बेनीपुरी किस रूप में विख्यात हैं? इसका सही आंसर है गद्यकार के रूप में। पांचवा क्वेश्चन, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं किस विधा में उपलब्ध होती है? तो इसका सही आंसर है कहानी, उपन्यास, नाटक, इन सभी में। तो इसका सही आंसर है इन सभी में। छठा क्वेश्चन, रामवृक्ष बेनीपुरी की सर्वाधिक प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है? तो इसका सही आंसर है अम्बपाली। सातवां क्वेश्चन है, वंदे वाणी विनायक रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी रचना है? तो इसका सही आंसर है ललित गद्य। आठवां क्वेश्चन, मंगर किस विधा से संबंध रचना है? तो इसका सही आंसर है रेखाचित्र। नौ नंबर का क्वेश्चन है, मंगर कौन था? इसका सही आंसर है हलवाहा। दसवां क्वेश्चन, मंगर की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है भकोलिया। अब तीसरा चैप्टर है आपका बसंत आ गया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है बलिया जिला में। दूसरा क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1907 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई? इसका सही आंसर है 1978 ईस्वी में। चौथा क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस रूप में विख्यात हैं? इसका सही आंसर है आलोचक। पांचवा क्वेश्चन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल क्या है? इसका सही आंसर है निबंध संग्रह। छठा क्वेश्चन, आम फिर गौरा बौरा गए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की कैसी रचना है? इसका सही आंसर है निबंध। सातवां क्वेश्चन है, वसंत आ गया है किस विधा की रचना है? इसका सही आंसर है निबंध। आठवां क्वेश्चन, वसंत आ गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस कृति के अंतर्गत है? इसका सही आंसर है अशोक के फूल। नौवां क्वेश्चन है, वसंत आ गया है किस प्रकार का निबंध है? तो इसका सही आंसर है व्यक्ति प्रधान। दसवां क्वेश्चन, वसंत आ गया है के अंतर्गत वसंत को किसके अधीन बताया गया है? तो इसका सही आंसर है
मनुष्य क्षाधीन। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद जय भारत।